श्रीकाल सारिआं नूं, किवें हो तुसीं सारे जणे? तुहाडा सारिआं दा वेलकम है जी मेरे चैनल संदीप गिल ते। जिवें कि तुसीं जाणदे हो जी, थंबनेल तों तुहानूं पता लग गिआ होगा वी जिहड़ी अज मैं गल कर रही हाँ अपने डाइट प्लैन बारे गल कर रही हाँ तुहाडे नाल, जिहड़ा मैं एक डाइट प्लैन शेयर करूँगी। जिवें कि तुसीं तुहानूं पता ही है जी वी पहलां वालीआं तुसीं मेरी वीडियोज़ देखियां, उन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा तुसीं प्यार दित्ता गा, तुहानूं बहुत वधिया लग्गिआ वीडियोज़, तुहाडी हैल्प हुई उन्हां वीडियोज़ तों, मैनू बहुत वधिया लग्या भी तुहाडी हैल्प हुई। तो मैं ये भी वधिया लग्या भी तुसीं बहुत वधिया वधिया जिहड़े कमेंट्स कीते, तुहानूं जिहड़ी मेरी वीडियो है बहुत वधिया लगी। सो जिवें कि मैं इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल शेयर करूँगी जी, भी जिहड़ा तुसीं हफ्ते दे विच जिहड़ा तुसीं 10 kg 10 kg है जिहड़ा वजन आपदा घट कर सकदे हो। हुण तुसीं सोचोगे भी किवें पॉसीबल है, असीं इस तरह किवें घट कर सकदे? बिल्कुल पॉसीबल है जी, क्योंकि जिहड़ी एक्सरसाइज हुंदी है, जिम हुंदा है, वह सिर्फ 10-15% ही जिहड़ा काम वर्क करदा काम करदा है। ये नहीं हैगा भी आपां खाई तो चलांगे पेट भर भर के, ते पर एक्सरसाइज आपां जो करांगे तां फिर एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होना, जो आपां डाइट नूं ही नहीं फॉलो करांगे सही, जो आपां ऑयली खाना इस तरह का खाना जिहदे विच है कि कैलरीज बहुत ज़्यादा हुंदी है, ते आपां कैलरी नूं एक बर्न भी नहीं करांगे, यानी कि यूज़ ही नहीं करांगे, जिहड़ी अपने शरीर दे विच कैलरी हुंदी उहनूं कितें यूज़ ही ना करांगे एनर्जी नूं, ते फिर अपना ऑटोमैटिक है जिहड़ा वेट वधूगा। तो बहुत पॉसीबल है जी, जिवें कि तुम देखते होंगे मूवीज़, आप सारे जने देखते हैं हिंदी पंजाबी मूवीज़ जो भी तुम देखते हो, स्पैशली जो हिंदी मूवीज़ होंगे उन्होंने एक्टर एक्ट्रेस बहुत जल्दी है जो अपना वजन बढ़ा भी लेंगे तो बहुत जल्दी घटा भी लेंगे। सो यही रीज़न है जी, उन्होंने कोई स्पैशल इस तरह का कुछ भी नहीं होंगे, उन्होंने यही रीज़न होंगे भी वो जो स्पैशल है डाइट प्लैन फॉलो करते हैं। बहुत ही एक ना मतलब जिवें आप कह दें जिंदगी दे रूल होंगे, आप बहुत पक्के रूल बना लें भी नहीं ये आप अपनी लाइफ दे विच जिहड़ी ये गल नूं अपनाउणा ही अपनाउणा, ये आप करना ही करना। जे आप सुबह 6 बजे उठना तो उठना ही उठना, जे रात नूं आप 9 बजे तो पहला पैना, यानी कि स्पैशली मैं पिंडां दी गल कर रही हूँ, अपने शहरां विच तां बहुत लेट हो जांदा पैना करना भी सौना रात नूं, ते जे आपां भी मन के चलो भी 7 बजे अपने पिंडा च 7:30 रुपए लोग कर रहा है तो 8 बजे पैना ही पैना, तो वो अपना एक जिंदगी का रूल बन जाता, आप उस चीज़ों जो फॉलो करते ही करते लाइफ के। सो इस तरह दुश गल जी, यही हैगा भी तुम डाइट प्लैन तो मैं थोड़े ना शेयर ही किया, यही हैगा भी मैं उही डाइट प्लैन अपना लेंदी रही हाँ, क्योंकि एक ही तरह दीज़ा खा खा के आप जिन्ना चेर आप डाइट कर रहे हैं एक ही तरह दीज़ा खा खा के आप थोड़ा जहा बोर हो जाने गए, अपना यह होंगे भी अच्छ कुछ चेंज कर लिए, अज आप कल वह चीज़ खाधी सी अज आप आ चीज़ खा लिए। सो इस तरह का चेंज करते रहा करो, चेंज करने की होंगे कि थोड़ा जहा मतलब खाने भी अपन खाना खाने भी इस तरह नहीं होंगे, अपने जो टेस्ट है वह भी थोड़ा जहा बदल जाता है, तो आपूखा नहीं लगता डाइटिंग करनी भी आप डाइट से है अपन इस तरह महसूस नहीं होंगे भी जिमें अपनी सारी फैमिली नॉर्मल खाना खा रही है, अपन उस तरह लगता थोड़ा जहाँ चेंज कर लिया करिए। तो जिमें हम जो तुम किसी डॉक्टर को जाओगे या किसी डायटिशियन को जाओगे बहुत ज़्यादा तुम्हें पैसे खर्चने पैंते डाइट प्लैन लिए, जो कि पॉसीबल नहीं हों। मैं जिस तरह अपनी थोड़े न डाइट शेयर की पहला, तो कुछ होर भी लाइफ के गल् जिड़िया मैं ध्यान में रखिया जिन्हों के कारण है जोड़ा मेरा तुम सारे ने देखा वो मेरे ब्लॉग्स वाले चैनल से तुहानू पता होगा भी मेरा बेटा जिहड़ा 6 सालां दा, ते मेरी जिहड़े कि 7 सालां तो मैं तकरीबन है जिहड़ा इस तरह ही अपनी बॉडी नूं मेनटेन करके रख्या होया, बिल्कुल भी वेट नूं जिहड़ा गेन नहीं होण दित्ता, इस तरह जिहड़ा भी मतलब अपने आप नूं स्लिम फिट रख्या होया। उहदा इही रीज़न है भी मैं लाइफ दे विच कुछ इस तरह दीआं गल्लां नूं फॉलो करदी हां जिन्हां नूं कि जिन्हां नूं तुसीं फॉलो करके अपने वेट नूं जिहड़ा उत्थे रख सकदे हो। जे आपां महीना डाइटिंग करांगे, महीना आप डाइटिंग करके अपने वेट नूं लूज़ कर लेंगे, पर उस तो बाद आप कह देंगे भी नहीं हुण आपां नूं की लोड़ आपां स्लिम फिट हो गए, दोबारा फिर आप उही रूटीन पर आ जाएंगे, उस तरह खाना पीना लग जाएंगे, अपना वेट है जिहड़ा ऑटोमैटिक ही वधूगा जी, फिर अपनी डाइटिंग की तो भी कोई फायदा नहीं। सो इस तरह दुश ग किड़िया चीज़ों तुम्हें नहीं खाना, कि चीज़ों तुम्हें अवॉइड करना है, तो किस तरह थोड़ा जहाँ तुम डाइट के चेंज कर सकते हो, उही जड़िया मैं इंपॉर्टेंट गल्ला शेयर करूँगी। तो तुम मेरिया जे पहला वाली वीडियोज़ नहीं देखिया जी, तुम्हें बहुत हैल्प मिलेगी तुम जे डाइट प्लैन वाली कुछ मैं जिड़िया हर्बल टी थोड़े ना शेयर कीतिया ने वो देख सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएगी, नहीं मैं उन्हों का लिंक है जरा डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, तुम उ जाके चैक कर सकते। हैल्थी डाइट में है जो फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे जी, जे आप सोचिए भी आप जिम जाने या कोई एक्सरसाइज करते हैं पर आप खाना उन्ना ही ज़्यादा यानी कि पेट भर भर के खा रहे हैं, तो वह भी बहरला खाना भी जो बहुत ज़्यादा ऑयली हों घर नहीं आप बनाते,
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਵਧੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਭਾਰੀਪਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਊਗੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਫੈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਔਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵੇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਜਾਂ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਨਾ ਵਾਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਜੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ੀਪਨ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਸੀ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਲਿਆ ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਟ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਟੇਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟ
योगा किया कुछ भी एक्सरसाइज की तो मैं बिल्कुल हैल्थी हैल्थी जरा बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होगा, पेट भी जरा हल्का हल्का महसूस होगा क्योंकि मैं हैल्थी डाइट में फॉलो कर रही हूँ। मैं ज़्यादा पेट भर के नहीं खाता, उधर ही दूजी तरफ जो तुम बहुत ज़्यादा खा लोगे तो फिर थानू जरा एक्सरसाइज करके भी ना एक्सरसाइज कर ही नहीं पानी सही तरीके जो तुम ज़्यादा खा लोगे क्योंकि एक लेजीपन जा जाता जिन्ना आप खा रहे हैं उन्होंने उन्ना रिलीज़ करना भी जरूरी है। मैं दसूँगी जी कुछ इस तरह दलां दसूँगी जिन्होंने कि तुम जरा कुछ इस तरह के टिप्स देवगी थानू भी जेडे नहीं खाने पीने या जिन्होंने अवॉइड करना है। तो सब तो पहले तो तुम जो फ्रूट का जूस कढ़ के पीने वो नहीं पीना, तुम डायरैक्ट फ्रूट खाने हैं क्योंकि फ्रूट के फाइबर हों जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हों खाना। तो जो आप जूस कढ़ लें तो जो फाइबर है वह घट जाता है खत्म ही हो जाता है जी शूगर लैवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिदे कारण कि तुम्हें भी पता सारे भी शूगर ना जो अपना वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो डायरैक्ट है जो फ्रूट खाने तुम्हें जूस कढ़ के नहीं पीना जिमें कि हम तुम कोकोनट देख लो जी जेकर डायरैक्ट है जो कोकोनट खाओगे तो वह ऑयल होंगे जिद ने अपनी फैट खाधी होगी, पर जो उसी दूजी तरफ है जो कोकोनट का पानी पियोंगे जो कि अपनी बॉडी लिए बहुत हैल्थी होंगे। तो जी आप जी राजमा छोलियां की दाल बनाने रात में सब तो पहले आपको भी छड़नी होगी वो आप नहीं खानी क्योंकि जो आप राजमा या छोलियां की दाल बनाने बॉडी के एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो डायजेस्ट भी वो जो छेती नहीं होंगे हाजम नहीं होंगे आप रात में बना लें रात में खा के पै जाने वे भी जो अपना वेट बहुत ज़्यादा वाधा है। शक्कर का तो खंड का तुम्हें पता ही है जी भी आपको खानी नहीं चाहिए जो आप डाइट पर होंगे तो तुम्हें अवॉइड करना है। नमक भी बहुत घट खाना तुम तो बाकी जो मैं तुम्हें अज्ज कहूँगी तुम अज तो छड़ नहीं सकते जी तुम है मैं कोई भी तुम इस तरह की चीज़ है जी अवॉइड करनी है मैं तुम्हें दस रही है थोड़े ना शेयर कर रही हूँ मैं इस तरह दिया गल्ला तो उन्होंने हौली हौली अवॉइड करना है हौली हौली घटाते जाना एकदम नहीं घटा सकते बहुत औखा होंगे क्योंकि आपको आदत होंगी वो चीज़ की इन्ने टाइम की हौली हौली तुम जिमें कि अज थोड़ा जहा घट चीनी का जिमें चाह बना रहे हो दुध पी रहे हो जे तुम एक चमच खंड का पाने ना तो तुम अद्धा कर लो पौने तो स्टार्ट कर लो पौना चमच खा लो फिर अद्धा कर दो फिर उस तो कट दो फिर बिल्कुल 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 तुम फिके दुध से आ जाओगे फिका दुध है जो पीन लग जाओगे तो इस तरह तुम्हें करना है। तो बाकी मैं तुम्हें गल दसा हाँ दुध की गल करते हैं आप दुध जो तुम पीने कोशिश करो है जो लो फैट दुध पियो यानी कि गां का दुध पियो मझ का दुध ना पियो जे तुम मुल दुध लैने बहरों कितों लैके आना तो लो फैट दुध भी तुम जे पीना है तो मझ का दुध भी लैके आने मजबूरी है भी थोड़ा उतो दुध लगाया ही होया उन्होंने तुम जो दुध सूँ गां का नहीं मिलता लो फैट दुध नहीं मिलता तो तुम जो दुध में उबाल देखो तो उपर जी मलाई उन्होंने सारी नू ला दो तो तुम खाले दुध में पी लो मलाई तो बिना तुम दुध पियो। तो हूँ मैं थोड़े ना इस तरह दिनिया वधिया वधिया टिप्स है जीडिया शेयर कर लिया तो तुम कहोगे भी सानू है जोड़ा ना खाने वास्ते दसता पर तुम सू नहीं दसिया भी असं खाना भी है। सो मैं थोड़ा न ये भीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जूगी हजे मैं एडिट करना है वीडियो में सारिया गलों जोड़े तक पहुँचा ने जो तुम हैल्थी डाइट में जो फॉलो कर सको तो इस करके जरा शायद जो वीडियो लंबी होगी तो मैं नैक्सट पार्ट के दसूँगी भी तुम कि चीज़ों खाना है। मैं डाइटिंग करने वास्ते थानू नहीं दस रही क्योंकि डाइटिंग का की हुंदा आपां महीना फॉलो किया तो आप पतले हो गए उस तो बाद आप चीज़ों छड़ देंगे खाना पीना आप अवॉइड उवें सेम फिर खाण लग जाएंगे फिर आप मोटे हो जाएंगे। सो डाइटिंग का ही हुंदा जी डाइटिंग नहीं है ये एक इस तरह दीयां गल्लां ने जिन्हां नूं कि तुसीं अपने माइंड दे विच बिठा ही लैणा भी इन्हां नूं आप फॉलो करना ही करना है तो हैल्थी डाइट खानी खानी है। सो तुसीं कदे भी मोटे नहीं होवोगे कदे भी तुहाडी जिहड़ी फैट है वधूगी नहीं ना तुहाडा टमी फैट है वधूगी ना तुसीं ज़्यादा मोटे होवोगे। तो मैं इन सारिया गलों अपनी लाइफ के फॉलो करती हूँ जी एक जिमें आप कहने मैं थोड़ा पहला भी बार बार दसिया थोड़े ना शेयर की तो भी जोड़ा तुम है कोई भी काम करते हैं आप ही आप करना करना। सो जो मैं थोड़े न गल् शेयर की जी जेकर मेरी वीडियो डेली देखनी या पहल वाले मेरे दो पार्ट है देखे ने वीडियोज़ के तुसी मेरा डाइट प्लान देखिया था तुसी है जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं अपनी लाइफ दे विच फॉलो करना ही करना है हैल्थी डाइट लैनी लैनी है। नैक्सट वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल मिलूंगी जी तुहानूं दसूंगी भी किहड़ियां चीज़ां तुसी खाणियां इह मैं तुहानूं कुछ इस तरह दीयां गल्लां भी दसदियां टिप्स दे ते मैं तुहानूं वो चीज़ां दसदियां जिन्हां नूं तुसी अवॉइड करना है अवॉइड जरूर करना है जी फिट रहना है जी सारिआं ने ते मेरी वीडियो नूं है जिहड़ा तुसी देखना जरूर है शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच जी थोड़ा सारे का मेरी वीडियो देखने वास्ते नैक्सट पार्ट के मिलेंगे फिर तद तक लिए सारे सत श्री अकाल जी।